गुड मॉर्निंग स्वीट स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 to 12। सो टेक आउट योर बुक्स। यस, सो टेक आउट। यस, वेरी गुड, एवरीवन हैज टेक आउट। यस, सो टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 इज रेखा हैज मूव्ड हर न्यू फ्लैट। She spent this money for furniture. उसने इतने रुपीस तो काई में खर्च कर दिए बेटा, 2,48,000 उसने फर्नीचर पे खर्च किए, ठीक है। और कितना है ये, 4,11,000 रुपीस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे खर्च किए, ठीक है। और 38,015 रुपीस फर्शनिंग पे खर्च किए, ठीक है। सो हमें बताना है कि जो उसने टोटल मनी है वो कितना खर्च किया, ठीक है। आप एक बात बताओ, आपने पेंसिल पे खर्च किए 10 रुपीस, ठीक है। इरेजर का लेकर आए 5 रुपीस का, एंड चॉकलेट्स कितने की लाए, 8 रुपीस की। सो टोटल कितने स्पेंड किए, तो क्या करोगे, टोटल के लिए हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो हम इन सबको भी ऐड कर देंगे। सो हम सबसे पहले लिख देते हैं हमने क्या क्या खर्चा किया। फर्नीचर, शी स्पेंट, ऑन फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर पे कितना किया उसने, 2,48,000, ठीक है। अब वो नेक्स्ट किस पे खर्चा कर रही, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे। कितना किया इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे बेटा, 4,11,000। एंड लास्ट फर्निशिंग, पे कितना किया उसने, नाउ कितना किया, 38,015, ठीक है। सो टोटल बताना है, सो टोटल मनी स्पेंड बाय रेखा कितना क्या, ऐड कर दो इन सबको। सो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5+1=6, ठीक है। 1, 1, 2 एंड हेयर 1, नाउ 8 और 8 16, 1 कैरी 1+4 5 5+3 8, 2+4 6। सो कितना स्पेंड किया, 6,86,126, ओके। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10, दिनेश ए बिजनेसमैन हैड टेकन अ लोन। दिनेश ने क्या लिया, एक बिजनेस के लिए लोन लिया, कितने का, 1 करोड़ का। कहाँ से लिया, बैंक से, ठीक है। क्यों लिया उसने लोन, जब वो बिजनेसमैन था तो उसने अपनी फैक्ट्री को सेट करने के लिए बैंक से 1 करोड़ रुपीस उधार लिए, ठीक है। उसने कितना पे किया अभी तक, 2,98,000 पे किया है सिर्फ उसने, 1 करोड़ में से 2,98,000 पे किया है। सो उसको बताना है कि उसको कितना लोन और अभी तक स्टिल हिज लोन, उसका जो लोन है वो कितना उसको पे करना है। सो मुझे बताओ, मम्मा ने आपको 50 रुपीज़ दिए, ठीक है। सो ये क्या है, मम्मा ने आपको 50 रुपीज़ दिया, यानी कि बैंक ने उसको 1 करोड़ दिए। सो मम्मा को आपने चॉकलेट खाने के बाद, मम्मा ने बोला था कि 10 रुपीज़ की चॉकलेट ले आना और बाकी के पैसे मुझे देना। सो 10 रुपीज़ आपने मम्मा को दिए, 10 रुपीज़ क्या है आपके, खर्च हो गए, ठीक है। तो बताओ मम्मा को कितने रुपये आपको और देने हैं, कितने दोगे, सो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो इसी टाइप से हमें क्या करना है, इसका पता करना है। सो हम क्या करने वाले, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो लोन दिनेश हैड टेकन लोन, कितना लिया बेटा उसने, 1 करोड़। सो 1 करोड़ कैसे राइट करते हैं, ये 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ ऐसे होता है। अब उसने कितना
दिया है ओनली 2,98,000 उसने पे किया है, ही पेड, उसने इतना ही पे किया है ना अभी तक तो, ठीक है। सो हमें बताना है कि उस क्या करेगा, अब कितना और बाकी है, सो इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, सो यू कैन डू इट, सो डू सेल्फ, ओके, एंड सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11, द पीपल ऑफ मेट्रो पॉल्यूशन सिटी, मतलब आपको एक सिटी का पॉपुलेशन गिवन है, इतने लोग उसमें रहते हैं, ठीक है, टोटल पीपल कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है बेटा, कितना गिवन है आपको, 1,54,23,840, ठीक है। सो इसको क्या रीड करोगे, 1,54,23,840। सो इसमें से आपको मेल की पॉपुलेशन दी हुई, किसमें कितने मेल्स है, मेल्स कितने हैं, मेल्स यानी जेंट्स कितने हैं, ठीक है, हमको बताया हुआ है। सो 1,15,83,79, यानी कि 79,83,150 जेंट्स है, ठीक है। सो हमको क्या बताना है, फीमेल्स कितनी है, ठीक है, फीमेल्स फाइंड करनी है, यानी कि गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है या लेडीज फाइंड करना है। सो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो योर वर्क, ठीक है। सो नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12, सो क्या है, ए फैमिली इज प्लानिंग टू बाइंग ए न्यू फ्लैट। सो एक जो फैमिली है उन्होंने क्या सोचा, हम एक न्यू घर लेते हैं, न्यू फ्लैट लेते हैं। सो टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लैट, फ्लैट की टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लैट कितना है, क्या है बेटा, 57,67,500 का है वो, ठीक है। सो द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, सो क्या बोल रहे हैं, द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली कितनी है, टोटल सेविंग अब तक उन्होंने कितना सेव किया, 8,20,500। सो ओनली 8,20,500 उनकी सेविंग है, ठीक है। सो ये क्या है, टोटल सेविंग है ना, आप बताओ आपको क्या लेना है, एक रिमोट कंट्रोल प्लान लाना है, वो कितने का आ रहा है, वो आ रहा है 2,000 का, ठीक है। अब आपके पास सेविंग कितनी है, आपकी जो पॉकेट मनी थी उसमें से आपने कितना सेव किया है, 800 रुपीज़। तो अब उसके लिए कितने रुपीज़ और नीड चाहिए हमको, जो रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन है वो 2,000 का आ रहा है, ठीक है, बट आपके पास तो आपके गुल्लक में कितने हैं, ओनली पॉकेट मनी में कितने रुपीज़ है, 800 है। सो आपको कितने 100 और एक्स्ट्रा चाहिए, 1,200। सो क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया है ना, पता करने के लिए। सो हमें क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन भी ऐसा ही बोल रहा है, हाउ मच मोर मनी डज द नीड फैमिली। सो क्या बोल रहा है, उस फैमिली को कितने मनी की नीड है जो उस फ्लैट को खरीदने के लिए। सो हम इसमें से क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो कर दे 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 5-0, 7-0, 0, 6-2, 4, 7, 7 में से क्या नहीं जाते हैं, 8 नहीं जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गए तो 9 है, यहाँ कितना रह जाएगा, 4। सो कितना नीड है उसको, 49,40,000 रुपीज़ की उनको नीड है। सो कितने रुपए की नीड टू बाय द फ्लैट, कितने की नीड है उनको, 49,40,000 कितने की नीड है, एक सेकेंड हम एक और बार से देखते हैं इसको अच्छे से नीचे जमा कर, ठीक है। सो हम दोबारा से जमा लेते हैं इसको, उनका टोटल कितना था, 5,76,75,00, ठीक है। सो उसमें उनके पास कितने रुपीस थे, 5,00,208, ठीक है। अब उनको कितने की नीड, अब हम देखते हैं दोबारा से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, 0,0,0,
अब सेवन सेवन में से क्या गए, जीरो गए तो सेवन, ठीक है, सेवन में से जीरो गए तो सेवन, सिक्स माइनस फोर, सिक्स माइनस टू इज फोर। अब ये कितना है, सेवन, सेवन यानी कि सेवन में से एट नहीं जा सकते, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट दिस, सो वी कैन टेक बोरो, हेयर इज सेवनटीन, सेवनटीन माइनस एट इज नाइन, ओके। अब यहाँ कितना रह गया, फोर, सो कितना आ गया हमारे पास, 49,47,000, ओके। पहले भी हमने यही किया था, सो हमने पहले घिसपिस घिसपिस किया था ना, स्पेस नहीं था अच्छे से लिखने के लिए, सो हमने दोबारा कर लिया। सो फैमिली को कितने की रुपीस की नीड है, फैमिली, द फैमिली नीड टू बाय द फ्लैट, ओके। सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश नाउ, इन नेक्स्ट क्लास वी लर्न मल्टीप्लीकेशन, ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।